विद्या भारती विद्यालय आदर्श बाल विद्या मंदिर डे है। कक्षा चतुर्थी विषय संस्कृत द्वितीय पाठ भाग तीन चलचित्र क्रमांक 15 आचार्य बजरंगपुरी दिनांक 1 अगस्त 2020। प्रिय भाई बहनों, आज हम द्वितीय पाठ के तृतीय अनुच्छेद को मिल करके समझेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। पूर्व ज्ञानम। प्रिय भैया बहनों, पिछले नाट्यांश में हमने गुरुजी कैसे उपस्थिति लेते हैं और भैया बहन कैसे उपस्थिति बोलते हैं इसके बारे में ठीक प्रकार से पढ़ा। अब हम तृतीय नाट्यांश में प्रवेश करते हैं, तो आइए हम तृतीय नाट्यांश का सबसे पहले आदर्श वाचन करते हैं। विशालः गृहे भोजने विलंबः अभवत्। आचार्य, एतत् न उचितम्। विशालः, क्षम्यतां श्रीमन्, इतः परं विलंबः न भविष्यति। आचार्यः, अस्तु, संस्कृतपुस्तकं स्वीकुर्वन्तु। अद्य वयं चतुरस्य सस्य कथां पठामः। रविः, श्रीमन् प्रमोदः तुदति। पुनः आदर्श वाचनम्। आइए भैया बहनों, हम पुनः आदर्श वाचन करते हैं। तो मैं आदर्श वाचन करता हूँ, आप आरोह अवरोह को ध्यान रखते हुए आदर्श वाचन को पूर्ण मनोयोग से सुनेंगे। विशालः गृहे भोजने विलंबः अभवत्। आचार्यः, एतत् न उचितम्। विशालः, क्षम्यतां श्रीमन्, इतः परं विलंबः न भविष्यति। आचार्य, अस्तु, संस्कृतपुस्तकं स्वीकुर्वन्तु। अद्य वयं चतुरस्य सस्य कथां पठामः। रविः, श्रीमन् प्रमोदे तुदति। अनुकरण वाचनम। भैया बहनों, अब मैं नाट्यांश को बोलूँगा, आप मेरे पीछे बोलेंगे शब्दों के आहारों और को ध्यान में रखते हुए पूर्ण मनोयोग से अनुकरण करेंगे। विशालः गृहे भोजने विलंबः अभवत्। आचार्यः, एतत् न उचितम्। विशालः, क्षम्यतां श्रीमन्, इतः परं विलंबः न भविष्यति। आचार्यः, अस्तु, संस्कृतपुस्तकं स्वीकुर्वन्तु। अद्य वयं चतुरस्य सस्य कथां पठामः। रविः, श्रीमन् प्रमोदः तुदति। प्रिय भैया बहनों, ये हुआ अनुकरण वाचन। अब आप इस नाट्यांश का मौन वाचन करेंगे।
इस प्रकार भैया बहनों ये हुआ मौन वाचन। अब हम करते हैं काठिन्य निवारण। तो पाठ में आए कठिन शब्दों को हम पढ़ेंगे समझेंगे। भोजने भोजन में अभवत हो गई। एतत यह उचितम ठीक क्षम्यताम क्षमा करो। इतः इसके अस्तु ठीक है। स्वीकुर्वन्तु स्वीकार करो। चतुरस्य चतुर पठामः पढ़ेंगे। प्रिय भैया बहनों काठिन्य निवारण के बाद हम संस्कृत नाट्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करेंगे। तो मैं नाट्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करूँगा। आप ध्यान पूर्वक पूर्ण मनोयोग से अनुवाद सुनेंगे। विशाल गृह भोजने विलंब अभवत। विशाल घर में भोजन में देरी हो गई। आचार्य गुरुजी एतत न उचितम यह ठीक नहीं है। विशाल क्षम्यताम श्रीमान क्षमा कीजिए श्रीमान जी। इतः परम विलंब न भविष्यति इसके बाद देरी नहीं होगी। आचार्य अस्तु ठीक है। संस्कृत पुस्तकम स्वीकुर्वन्तु संस्कृत की पुस्तक निकालिए। अद्य वयम् चतुरस्य सस्य कथां पठामः आज हम सभी चतुर खरगोश की कहानी को पढ़ेंगे। रवि रवि श्रीमन प्रमोद तुदति श्रीमान जी प्रमोद बदमाशी करता है। प्रिय भैया बहनों इस नाट्यांश से जितने प्रश्न बनते हैं मैं आपको बौद्ध प्रश्नों के रूप में देता हूँ। आप इनके उत्तर ढूंढेंगे। प्रश्न एक विशाल कुत्र विलंब अभवत। प्रश्न दो एतत न उचितम इति कः उक्तवान। प्रश्न तीन वयम् कस्य कथां पठामः। प्रश्न चार कः तुदति। प्रिय भैया बहनों बौद्ध प्रश्नों के बाद अब हम चलते हैं गृह कार्य की ओर। तो हम करते हैं ये गृह कार्य। बौद्ध प्रश्नों के उत्तर वे काठिन्य निवारणम अर्थात शब्दार्थ को अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर लेखन से करेंगे। गृह कार्य के बाद हम बढ़ते हैं पुनरावृत्ति की ओर। तो आइए हम करते हैं पुनरावृत्ति। सबसे पहले भैया बहनों हमने पहले पढ़ाए गए नाट्यांश को पढ़ा। उसके बाद में हमने आदर्श वाचन किया। आदर्श वाचन करने के बाद में नाट्यांश का अनुकरण वाचन किया। अनुकरण वाचन के बाद में हमने मौन वाचन किया। मौन वाचन के बाद में काठिन्य निवारण किया। काठिन्य निवारण के बाद में हमने बौद्ध प्रश्न किए। बौद्ध प्रश्नों के बाद में गृह कार्य और गृह कार्य के बाद में हमने पुनरावृत्ति। इसी के साथ
आप सभी को धन्यवाद, पुनर्मिलामः।